मेरे फादर के पास जो है ना 14 प्रो मैक्स है एप्पल, लेकिन वो ना काम नहीं करता, वो फैक्ट्री अनलॉक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक 15 प्रो मैक्स जो है ना उनके लिए ले लें। अभी मैं सोई उम्मीद होया मैंने। मेरे पास जो है बाबा के लिए गिफ्ट है भाई। बाबा के लिए गिफ्ट। अभी मेरे बदबू आ रही है, बोल रहा हूँ 2 दिन से मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। हम लोग जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। भाई तुम लोगों को पता है कि यार आखिरी जो हमारा व्लॉग था वो शकीद दुबई का आया था। वहाँ पे जो है बर्फीली तरीन जो है दुबई ने जगह बनाई हुई है, और जब हम लोग वहाँ से वापस आए हैं, घर आए हैं, हमें खांसियाँ लग गई हैं, जुकाम हो गया है, आपके भाई को बुखार हो गया था भाई। अचानक ऐसे में ठंड के अंदर घुस गए हैं ना, तो इसलिए जो है ना बॉडी टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाई, और इसलिए जो है ना कल मैंने व्लॉग अपलोड किया यार। चुप कर बे कुत्ते। रूम इनको बताओ यार, इनको लगता है कि मैं जान के व्लॉग नहीं अपलोड करता, इनको बताओ कि मैं वाकई बीमार हो गया था, उनको मेडिसिन दिखाओ। पूछा मैंने कुछ भाई? ये देखो दवाइयां शवाइयां खाता रहा हूँ मैं, जुकाम की तो पता नहीं क्या क्या खाता रहा हूँ, ठीक है। बीमार पड़ा हुआ था यार आपका भाई, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों को पता है कभी कभी डक्की भाई के अंदर एनर्जी आ जाती है, और फिर वो जो है ना दिन में 2 व्लॉग भी फेंक देते तो ऐसा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। चल झूठा। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अभी तुम लोग देख सकते हो कि हमारी जो है ना बैग्स वगैरह हो रहे हैं पैक्ड। ये पीला बैग भी पैक हो गया, ठीक है, ये वाला बैग भी पैक हो गया, ये वाला बैग भी पैक हो गया, और ये मैंने रूप को जिम्मे लगाया कि मेरा बैग भी जो है ना पैक कर दे भाई। वेल डन। तुमने सारे अपने कपड़े भी मेरे बैग के अंदर रख लिए रूब। मैं एक महीने से यहाँ पे हूँ, मेरे कपड़े ज्यादा थे। Who gives you that right? खाली बैग लेके आया था, मैंने सोचा था कि भाई यहाँ से गिफ्ट गुफट लेके जो है मैं भर के लेके जाऊंगा, तुमने तो पहले इसको प्रेग्नेंट कर दिया बैग को यार, इतना तुमने मोटा कर दिया। किसके लिए गिफ्ट लेके जा रहा था तुमने? अरू है वहाँ पे कोई? सब लोग कमेंट में लिखो शेम ऑन यू। तो पैकिंग शेकिंग हमारी डन हो गई है, अभी जो है ना मामा लोगों से पूछ लेते हैं कि उनकी पैकिंग डन हुई है कि नहीं। मामा हमारा होटल से चेकआउट है, आपने ब्लैक पैकिंग नहीं की? चेकआउट सुबह का था, अब शाम होने लगी है। बाबा हमारा चक्कर उठा है, होटल से हमने पैकिंग करनी है भाई, होटल चेंज कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, तो आप कहाँ जाना? अब यही इतना दूर नहीं है यहाँ से भाई, 15 मिनट दूर है बस, पैकिंग शैकिंग कर लें, ठीक है फटाफट। जब मामा ने तो पूरा राशन पैक कर लिया, पता नहीं क्या क्या। अम्मा आप तो यहाँ पे सामान ऐसे लेके बैठी नहीं जैसे यहाँ पे हमने लाइफ टाइम रहना है। चुप कर बे कुत्ते। तो माँ बाबा का भी जो है ना बैग्स वगैरह बस पैक हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पैक होते हैं ना फिर निकलते हैं भाई। और मैंने तुम्हें कहा था कि होटल के साबुन शैम्पू भी पकड़ लिया करो ना यार। ये लो होटल के साबुन शैम्पू पकड़ लिया करो, कॉम्प्लीमेंट्री पैसे दिए होते हैं, जब आप रूम के पैसे पे करते हो तो आप इस साबुन शैम्पू और वो कॉफी पड़ी होती है उसकी भी पैसे पे करते हो भाई। इतनी बुरे ये शैम्पू होते हैं ना साथ वाली, इस वाली सोच से भी ज्यादा। और फ्री की जो चीज मिल रही होती है ना उसको पकड़ लिया करो, फाड़ दे पैक कर। बैग वाले जो है ना भाई भी आए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो है ना बैग स्टैक कर लिया हमारे, बहुत ज्यादा भारी तो नहीं थे बैग। You will put okay okay no problem। अम्मा हम बस निकले लगे हैं और आपने वॉशिंग मशीन चला लिए हैं। 3 घंटे हो गए हैं। अम्मा अभी गीले कपड़े कहाँ रख रहे हैं? गीले वो निकालेंगे तो पता लगे ना गीलेंगे तो निकले, लिटरली निकलने लगे थे, तो बैग भी पैक कर दिए, उसको कह रहे हैं वॉशिंग मशीन भी पैक कर दिया हमारी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ईजान वॉशिंग मशीन चल गई है एंड टाइम पे, हम एक ऐसे पहले कपड़े सारे धुलेंगे फिर ही खुलेगा, ये तो खुल ही नहीं रहा है ना, इसका ये प्रॉब्लम होता है, यही कपड़े पूरे धुलेंगे फिर ही खुलेगा। यार हमारे कपड़े फंस गए हैं, छोड़े कपड़े आ जाए, लेट्स गो। मैंने पैसे चार्ज कर देने, आपको पता है 1 घंटा ऊपर रहते वो 15,000 रुपए लेते हैं। 15,000? हाँ। और भाई मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि एक इतना बड़ा मसला हो गया, इतना बड़ा मसला हो गया है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं भाई। तुम लोगों को याद होगा जब हम लोग दुबई में निकलने के लिए पैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके भाई ने लैपटॉप का बैग भी पैक किया था। लैपटॉप का बैग जो है ना हमें रेडी करना पड़ेगा, ये ज्यादा जरूरी है भाई, तुम लोगों का व्लॉग आना चाहिए। वो जो लैपटॉप का बैग है ना वो रह गया पाकिस्तान, गालियां होनी चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा था अच्छे से पैकिंग करनी है यार, तुम लैपटॉप का बैग वहां पे भूला ही यार। सर मैं जिस चीज तुम अपने बैग में उतर के आए हो उसी चीजें मेरे पास, इसीलिए भी बहुत जरूरी होती है इंसान की लाइफ में, तो हमने हर चीज ऊट पटांग लेके आए हो। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, हमारा लैपटॉप का बैग जो है ना रह गया। और तुम लोगों को मैं जेन्युइन बताऊं, पिछले 2 व्लॉग मैंने मोबाइल पे एडिट किए बच्चों की तरह। पूछा मैंने कुछ? और तुम्हें चाहिए था कि मेरी पैकिंग हो रही, तुम दुबई से फ्लाइट करा के पाकिस्तान आती हो, मेक श्योर कर दिया मेरा सामान बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई ये देखो मेरा लैपटॉप का बैग कुर्सी पे पड़ा हुआ है, मुनीब ये पार्सल करा दो दुबई। मैं कैसे कराऊं भाई, कपड़े का हाल दिखाना जरा मुनीब, ये चेक करो। अरु मैं अच्छा अच्छा वहाँ पे करता था, सारा कमरा साफ करता था, तुमने आके सारा गंदा किया, मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। अब महीना हो गया अपने कमरे की शक्ल देखे हुए। यार कंबल तो बंदा सेट कर लेता। एक सेकंड मैं तुम्हें इसका अच्छा सा एक्सक्यूज देता हूँ। मुनीब अपना मुंह दिखाओ भाई, ये देखो ये मुनीब है जो मुंह पिछले 5 घंटे के अंदर धुला ही नहीं है, तो जो 5 दिन से जो कमरा भरा हुआ है वो कैसे धुल जाए हैं? मुनीब मेरा लैपटॉप आपने छेड़ा, अगर आपने मेरा लैपटॉप छेड़ा मैंने पहली फ्लाइट करा के सीधा आपके घर लैंड कर देनी है नीचे। लैपटॉप मेरा सेफ एंड साउंड कमरे में पड़ा रहे, ठीक है, हाथ ना लगाना भाई। ये लैपटॉप जो है ना मेरा बिल्कुल सेफ एंड साउंड पड़ा रहे, वरना फिर आपको पता आपके साथ नहीं क्या है। छोड़ दो, हाथ लगाना छोड़ दो।
हाथ धो के और फिर हाथ लगाओ लैपटॉप को। तुम तो बड़ा हाथ धो के लैपटॉप यूज करते हो ना। ग्लव्स पहन के सैनिटाइज कर निकलना। A few inches later, वह हमारी गाड़ी भी आ गई है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि सामान अंदर फिट आएगा कि नहीं है। ब्रदर, डू यू थिंक सामान विल फिट इनसाइड? इट विल बी फिट। ओके भाईजान, एक दो तीन चार पाँच छह सात और तीन शॉपर मिला के कोई आठ बैग्स हैं, और अभी वो इस निक्की सी जगह पे फिट आने वाले हैं। देखते हैं फिट आते हैं कि नहीं। A few inches later, तो यार मसा पूरा आ ही गया, पजल की तरह भाई पूरे पूरे बैग आ गए हैं। थैंक यू सो मच भाई। चलो जी, तो होटल जाने से पहले जो है वहाँ का नाश्ता नुश्ता कोई नहीं किया हुआ, तो कुछ खा लेते हैं। नाश्ता बड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कुछ खाते हैं, कोई पेट पूजा करते हैं, फिर चलते हैं होटल ने वाले। तो रोटी खाने हम लोग बैठ गए हैं, और बैठे भी देखें कहाँ पे, मजलिस बना के जमीन पे है। खाना शाना खा के यहाँ पे सो भी सकते हैं भाई, चुप करके आराम से हैं। जबकि इनके पास टेबले भी हैं, देखो मैं तुम लोग को बाहर दिखाता हूँ, टेबले भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे बैठ जाते हैं। अभी हमने जो है मटन मुटन मंगाया है, वो फिर आते तुम लोग को दिखाता हूँ। क्या ये चेक करें, अभी मैडम खोलेंगी तो देख के अंदर से क्या बला निकलती है। ओए होए 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 तीन दिन का खाना आज ही मंगा लिया भाई। तो ये है जी मटन रिब्स, ठीक है, और साथ ये है मटन लेग। कैसा फिर, तो रोटी छोटी पाड़ते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं तुम लोगों को। ये देखना, मैं तुम लोगों को इसकी हड्डी निकाल के दिखाता हूँ, देखना कितनी स्मूथली निकल जाएगी। देखिए छोटा सा अंडा है भाई, है ये, मुझे नहीं पता किसका अंडा है, मेरे ख्याल से सांप का अंडा है भाई। ये छोटा सा अंडा, ये अभी पूछते हैं किस चीज का अंडा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है तो नॉर्मल अंडा ही, लेकिन ये नहीं पता किसका है। मजेदार, तो रोटी थोड़ी खा ली है, ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नए होटल। यार नए वाले होटल पहुंच गए फाइनली, और बड़ा अच्छा व्यू है भाई यहाँ से है, ये अच्छा किराया है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना भाई। हमारे होटल के अंदर उन्होंने आइस स्केटिंग भी बनाई हुई है भाई। अरे तुम्हारी ठंडी जुटने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो पहले ही बर्फ जमी हुई है। वो चेक करो भाई, आइस स्केटिंग करेंगे आके हैं, या तुम्हें इससे भी डर लगता है? हमारा होटल जो है ना 25वीं फ्लोर, अम्मा मैंने बादलों में करवा लिया होटल, बादलों में जो है हम लोगों ने होटल करवा लिया, ठीक है। ये है जी हमारा रूम, देना कार्ड। कैसा फिर है ये, उससे बहुत बड़ा है, और इधर है, इधर है, इधर है शुगल, तो ये है सारा, ये देखें भाई साहब, वो सामने तुम लोग को बुर्ज खलीफा भी नजर आ रहा होगा, और बहुत प्यारा व्यू है भाई, क्या बात है। हम लोग 25th फ्लोर पे हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। ओए वॉशरूम क्या, ओए इसका सारे बहुत हाल है, इसकी लड़ाई होएगी वो इधर। ये वाला कमरा अलग है, यहाँ पे भी एक कमरा है छोटा सा, हैंगर शेंगर यहाँ पे दिया हुआ है, चलो रूम तुम यहीं पे रह जाओ भाई। एक तो ये हो गया बड़ा लेवल का कमरा, साथ व्यू है, आओ यहाँ पे चलें। ये वॉशरूम बड़ा अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, साथ जकूजी चकूजी है। ये रहा मास्टर बेड, चलें ये देखें, ये देखें यहाँ पे भी वॉशरूम है बड़ा अच्छा। तो बस हमारा जो बाकी का जो दुबई का ट्रिप है ना, वो हम यहीं पे होंगे, और बड़ा अच्छा जो है ना माशाल्लाह से अपार्टमेंट वगैरह है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार ये अपार्टमेंट आपके भाई ने फ्लाइट पे से बुक किया है, क्योंकि वहां पे रेट्स कंपैरेटिवली बाकी वेबसाइट के बहुत सस्ते आ रहे थे। A few moments later, तुम लोगों ने इस वाली वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो है ना एयरपोर्ट के जो है ना पॉड्स वो रह गए थे जहाज में, फिर बड़ी तल्ले मिलते कि हम लोगों ने, लेकिन मिले नहीं है। अभी जो है ना मार्केट जा रहे हैं, मॉल पकड़ लेंगे एयरपोर्ट, क्योंकि काम आते रहते हैं, फिर पकड़ लेंगे एक। रह गए थे एयरपोर्ट, कहाँ पे एयरपोर्ट। क्या पोएट्री है। अम्मा मैं छोड़ के जा रहा हूँ दुबई, पहले यहाँ बहुत ठंड है, मैं नहीं रह सकता भाई। स्पेलिंग जो एयरपोर्ट, भाई तुम लोग देख सकते हो कि मुझे जो है ना एयरलाइन वालों का आगे जवाब, वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमने कोई नहीं देना आपकी घूमे हुए एयरपोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर ऐसी कोई आइटम नहीं है, तुम बाहर में जाओ निकल। बाकी तुम लोगों जो है ना मिलते हैं मॉल पे सीधा। तो अभी हम लोग पहुंच गए एप्पल स्टोर, ठीक है, मेरे घुमे हुए एयरपोड्स का कोई जुगाड़ लगाने, ये उन्होंने लगाए हुए एयरपोड उरपोड, ठीक है, यहाँ पे सही है। मेरे वाले जो हैं यहाँ पे प्रो वाले थे, जो सबसे महंगे वाले हैं, ये पड़े हुए इनके पास एयरपोड प्रो, वही ये मेरे एयरपोर्ट पे घूम गए थे, ठीक है, एयरपोड
प्रो सेकंड जनरेशन 950 दिरहम का भाई। यार ये किसी को अगर मिलता है ना एयरपोर्ट के अंदर 50 रुपए ही ना मिलेगा भाई उसको, तो उससे मेरा क्या फायदा। चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं भाई हम लोग एक। अभी जो है ना मैं एक काम करने लगा हूँ, ठीक है। मेरे फादर के पास जो है ना 14 प्रो मैक्स है एप्पल, लेकिन वो ना काम नहीं करता, वो फैक्ट्री अनलॉक नहीं है और वो उस पे सिम नहीं चलती, तो बस वीडियो शीडियो के लिए अपने काम शाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक 15 प्रो मैक्स जो है ना उनके लिए ले लें, ब्लू में या फिर नेचुरल टाइटेनियम में। मैं तो कहता हूँ नेचुरल टाइटेनियम वाला जो है ना ले लेते हैं, क्योंकि वो जो है ना फोन इस्तेमाल करते हैं 14 प्रो मैक्स और उस पर जो है ना सिम चलती नहीं है, तो मैं खुद ही देख रहा हूँ तो वो बड़ी खवाड़ी कर रहे होते हैं उस चक्करों में। तो एक 15 प्रो मैक्स जो है ना वो भी हम अपने एयरपॉड्स के साथ पकड़ लेते हैं भाई। तो सुबह का वक्त हो गया और मैंने तुम लोगों को कहा था कि व्यू दिखाना है मैंने तुम लोगों को। ये चक्कर है भाई, राइट साइड पे जो है समंदर है, इस साइड पे थोड़ा बैकवर्ड इलाका भी है, लेकिन उससे आगे जो है उन्होंने बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन का पूरा व्यू नजर आ रहा है। इस साइड पे देखोगे तो है समंदर सारा पूरा। लेकिन अभी मसला ये हुआ कि हम लोग सुबह उठे हैं तो वो रिसेप्शन से हमें कॉल आई है, वो गारंट की भाई जो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जगह नहीं है, तो आप जो है ना तशरीफ उठाएं और चले जाएं कहीं पे। गजब बेइज्जती है। तो बस यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ सोने आए थे, अम्मा बहुत मिस करूंगा, जगह बहुत मजे की थी, लेकिन अभी एक नया होटल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और देखो हर जगह पहले से अच्छी है। ये बैग कलेक्ट करने वाले भाई भी आ गए हैं। ब्रदर पूरे आ जाएंगे बैग इस पे? आ जाएगा। अभी मैं सोई हूँ, मुंह धोया मैंने। अरू मैंने तुम्हें पहले एक बात बोली हुई है। क्या? कि अगर तुमने शादी मेरे से की है तो जलाल तुमने खुद बोली है भाई। इतना कोई रोला नहीं है, फ्लाइट पे से जो है मैं होटल वोटल देखता हूँ, वैसे भी हमें नॉर्मल से सस्ती प्राइस मिल जाएंगी आराम से। हाँ, मिल जाती है। तब जा रहे हैं मिलते तुम लोगों नए होटल में सीधा भाई। तो आजकल मैंने अगर ट्रैवल करना होता है तो मैं हमेशा फ्लाइट पे से फ्लाइट और होटल्स बुक करता हूँ। उसकी वजह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक तो फ्लाइट पे जो है मुझे एक अपना एजेंट कनेक्ट करवा देगा जो मेरी सुनेगा, मैं उसको बताऊंगा कि यार यहाँ यहाँ मैंने ट्रैवल करना है, वो मुझे उस हिसाब से बेस्ट पैकेज मुझे ला के देगा कि आपकी ये फ्लाइट आपको बेटर रहेगी, ये होटल आपको बेटर रहेगा। जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है ना एग्जैक्ट वैसा ही फ्लाइट पे ने जो है ना हमारा सिस्टम किया। और इतना ही नहीं है, फ्लाइट पे की वेबसाइट पे मुझे होटल्स कंपैरेटिवली बाकी वेबसाइट से बहुत चीपर मिले हैं। तो मैंने नीचे फ्लाइट पे की लिंक दी हुई है, वहां पे रजिस्टर करो और नेक्स्ट जहां पे भी जाना हो फ्लाइट पे से फ्लाइट भी बुक करो और फ्लाइट पे से होटल भी बुक करो। बाद में दुआएं दोगे कि भाई जिंदगी आसान होगी। टकी भाई अ फ्यू इंचेस लेटर। ओए 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 भाई इसको देखना ऑरेंज वाली को। ओए 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 स्पिनने मारते मारते गिर गई भाई। भाई हम भी आइस स्केटिंग करते हैं अगर हमारे पास टाइम होता, ठीक है, लेकिन हमारा चेकआउट हो गया तो अब हमारे पास ना टाइम नहीं है। इसको देखना जापानी को। ओए होए होए 20 मिनट्स लेटर। तो एंड नए वाले होटल हम लोग पहुंच गए और मैं तुम लोगों को रूम दिखा दूं कैसा आर्ट वर्क उन्होंने बनाया हुआ है भाई। भाई हर चीज का डिजाइन देखो है, पानी के टूटी का डिजाइन देखो जैसे अर्तुगरुल के जमाने का लेके आए हैं। बड़ा प्यारा जो है बेड है, ठीक है, उन्होंने फोन का स्टाइल देखो यहाँ पे किस तरह का रखा हुआ है पुराने जमाने का, ठीक है, यहाँ पे बड़े बैठने की जगह दी हुई है, बिल्कुल आर्ट वर्क टाइप जो है ना उन्होंने दिया हुआ है। अम्मा आपने शुगल तो दिखाई नहीं, ये देखें मेन शुगल तो यहाँ पे है, ये थोड़ी मट्टी वाली विंडो हुई है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का व्यू है, ठीक है, साथ यहाँ पे डाउनटाउन हमेशा होता है, वो बड़ा प्यारा व्यू है भाई। और अभी जो है ना ये वाला हमारा रूम होगा, ठीक है, ये वाला भी खुलेगा तो हमारा जो है ना ये वाला रूम और ये वाला रूम इकट्ठा हो जाएगा। तो है ये दूसरा रूम भी जो है रेडी हो गया है, लेकिन ये जो है ना सिंगल सिंगल बेड वाला है भाई। लेकिन यहाँ पे भी बड़े मजे का जो है ना इन्होंने आर्ट वर्क वगैरह दिया हुआ है और बड़ा यूनिक स्टाइल का जो है ना रूम बना हुआ है। यहाँ से भी जो है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का बड़ा लेवल का व्यू आता है और यहाँ पे डाउनटाउन वगैरह है। गुड हो गया जी। तो बाबा के लिए जो है ना मैं फोन ले आया था iPhone 15 Pro Max नेचुरल टाइटेनियम 512 GB, ठीक है, और एयरपॉड भी जो है ना मैंने दो मंगवा लिए है, एक मैं अपने लिए मंगा ही रहा था, मैंने कहा मैं बाबा के लिए भी मंगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको भी चाहिए होता है। तो हमारे पास 512 GB iPhone 15 Pro Max और एयरपॉड का जो है ना हम सरप्राइज देने वाले हैं बाबा को। उनको मैंने बताया नहीं हुआ, वो जो है ना सिम लॉक फोन इस्तेमाल करते हैं, उस पे सिम नहीं चलती, तो उनको जो है ना दूसरा फोन साथ रखना पड़ता है, उसमें सिम शिम चलती है, उन्होंने आईफोन को ज्यादा पसंद है, तो इससे जो है ना मैंने कहा एक बार ले ही लेते हैं भाई। मेरे पास जो है बाबा के लिए गिफ्ट है भाई। बाबा के लिए गिफ्ट, गिफ्ट होटल है। एक और भी गिफ्ट है ना, एक और भी गेस करती हूँ मैं। हाँ ये है शूज। शूज क्या करने हैं बाबा ने, पहने हुए तो हैं शूज। ये लेकिन बाबा के पास जो है सिम लॉक्ड आईफोन है जो मतलब वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्होंने वीडियो शीडियो भी बनानी होती है। मैं कहा उनके पास वो जो खबर होते रहते हैं कि उनके पास फोन जो है ना वो ठीक नहीं है, है ना, मैं उसका बैक कवर ले लिया। नहीं नहीं मैं लिया, मैं लेके आता हूँ एक सेकंड। तो ये हम लोग लेके आए हैं जी ब्रांड न्यू 15 प्रो मैक्स। आज अनबॉक्स करके दिखाते हैं ना रोशनी में, इधर आए। 512 GB 15 प्रो मैक्स आईफोन। तो मैंने कहा आप इस्तेमाल करें और फैक्ट्री अनलॉक्ड है, सिम वाला इशू नहीं होगा जो आपका पहले होता था। जबरदस्त, खोलें तो सही इसको। फैक्ट्री सील्ड है और इसमें सिम शिम चल जाएगी आपकी। अच्छा, कोई रोला नहीं होगा और है भी टाइप सी। Oh,
देखें ब्रांड न्यू आप इसको पावर बटन को दबा के रखें चले ऑन हो गया भाई। सिर्फ आईफोन नहीं है एक और भी है आपके पास एक और भी गिफ्ट है आपके लिए ये ले ओरिजिनल एयरपॉड्स प्रो ये भी आपके काम आना है। नहीं नहीं ये नहीं घुमाएंगे मेरे नहीं 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 खोले तो सही ये इसमें तार भी है इसकी ओरिजिनल तार है वो भी अभी मेरे बदबू आ रही है दो दिन से मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। A few moments later. अरे भाई तो यार यहाँ पे व्लॉग एंड होने जा रहा है और ये भाई चेक करो सामने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर चमक पड़ा है भाई और क्या लेवल का जो है यहाँ पे व्यू शू है। आई नो कि पिछले दिनों कुछ व्लॉग नहीं आया लेकिन मैंने तुम लोग अपनी दवाइयां भी दिखाई हैं। मैं वाकई में बीमार हो गया था लेकिन अब सेट हो गया हूँ। अब कोई अच्छा शुगर मेला लगाएंगे फिर हमने यहाँ से सऊदी अरेबिया भी जाने उमरा करने फिर हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बाय व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओके।